कि लखनऊ जिले में पुलिस ने गश्त के दौरान छापा मारकर अवैध शराब की फैक्ट्री से 52 पेटी शराब बरामद की है। फैक्ट्री मडियाब गांव के नंदपुरम कॉलोनी में चल रही थी। अवैध शराब घर के अंदर बनाई जा रही थी। छापेमारी के दौरान यूरिया शराब बनाने की मशीन भी बरामद की गई है। पुलिस ने शिवम और आदर्श नाम के दो शातिर शराब तस्करों को भी दबोचा है। छापेमारी के दौरान कुछ तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार शराब तस्कर पंजाब हरियाणा से शराब लाकर की मिलावट करने के बाद बेचते थे। ब्रांडेड अंग्रेजी शराब का लेबल स्कैन कोड लगाकर वीकेटी स्थित शराब की दुकान पर सप्लाई करते थे। हम लोगों को इनके ऊपर कोई पुराना मुकदमा होने का नहीं पाया गया है। ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि ये सब सीतापुर के रहने वाला है, आपस में परिचित है, शायद दूर के रिश्तेदार भी है। तो इनको वहीं से सीतापुर से इसी काम के लिए ये शिवम जायसवाल पुत्र हरिश्चंद्र ने लेके आया था। सर पश्चिम से लेकर के शराब आते थे यहाँ पर, बना रहे थे, सील पैक कर रहे थे, शराब में मिलावटी कर रहे थे, लेकिन जिस मकान में थे क्या उस मकान मालिक के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी? अगर नहीं दी गई थी तो पुलिस मकान मालिक के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करेगी? देखो, हमने जैसे अभी बताया, कल शाम हमने ज़्यादा जैसे सूचना मिला हम लोग वहीं पर छापा मारा है और बरामद किया है। अभी इसके बाद ही जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका मकान है और मकान मालिक से संपर्क करके उनको बिल्कुल पूछा जाएंगे कि क्यों इनका वेरिफिकेशन नहीं किया गया या आपका मकान किराएदार द्वारा क्या काम वहीं पे किया जा रहा है, इसका क्यों पर्यवेक्षण नहीं किया गया। अब अभी तक हम लोग